मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं हिमाचल के पालमपुर के जो विधायक हैं आशीष बुटेल साहब। अपने प्रतिक्रमों और अपने कामों को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहते हैं और काफ़ी वक्त से पिछली सरकार जब जयराम की थी तब भी आपको याद होगा कि मांग कर रहे थे कि पालमपुर को जिला बनाया जाए और इसके साथ कई मांगे थी, लेकिन अब चर्चा में खूब हैं क्योंकि एमसी के चुनाव हुए और पहले ही बार चुनावों के जब परिणाम हुए क्योंकि सोलन, मंडी, धर्मशाला और इसके अलावा पालमपुर, तो पालमपुर में चुनावों में एमसी में कांग्रेस ने कब्जा किया। आशीष साहब फोन लाइन पर हैं। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बुटेल साहब, पहले आपके निगम से शुरुआत हुई और आपने सीएम की झोली में एमसी पर जीत हासिल की, जो अब गोपाल नाग वहां से मेयर चुने गए हैं, तो कितना की कठिन रहा और कितना की आसान आपको रहा? देखिए, यहाँ पर जो एमपी के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हर 2.5 साल के बाद होने का प्रावधान है जी, तो उसके तहत यहाँ पर पालमपुर में, धर्मशाला में, सोलन में और मंडी में ये चुनाव होने हैं। पालमपुर से इसकी शुरुआत हुई थी 24 तारीख को जी। पालमपुर में कांग्रेस पार्टी के ही मेयर और डिप्टी मेयर बने, गोपाल नाग भी मेयर बने और डिप्टी मेयर राजकुमार भी बने जी। जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये इस बात का प्रमाण भी है, हालांकि हमारी सीटें भी वहां पर ज्यादा है, लेकिन अब धर्मशाला का जो आज मेयर का इलेक्शन हुआ है तो ये जो हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार की जो अच्छी नीतियां हैं उनको देखते हुए जो दूसरे तरफ के भी लोग हैं उन्होंने भी मुझे लगता है कि हमारी इसमें मदद की है। और ऐसा है कि जहां जहां पर भी जिस तरह के अच्छा काम माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हो रहा है उससे लोग भी बहुत खुश हैं और जनता भी खुश है और जनता के हित के काम हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात जी। और शायद इसलिए बड़ी आसानी से आपने एमसी पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन अब धर्मशाला के परिणाम भी आ गए हैं। खैर, मंडी में भाजपा का दबदबा कायम रहा तो इस बार विधायकों ने भी वोट डाला, इतिहास में पहली बार हुआ है और आप भी सियासी परिवार से हैं तो विधायकों ने जब वोट डाला इसकी बात की मांग भी चल रही थी तो उसका फायदा कहीं ना कहीं दिख रहा है आपको? जी, इसका ये कहना गलत होगा कि पहली बार ऐसा किया गया है। मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रावधान कोई नया नहीं बना है, ये इस सरकार ने आकर प्रावधान नहीं बनाया है, इसका प्रावधान पहले से ही हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एक्ट है जिसके अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिस एक्ट के अंदर गवर्न होती है जी जी जी, उसके अंदर इसका ऑलरेडी प्रावधान जी जी बिल्कुल। और इससे पहले ये भी मैं बताना चाहूंगा क्योंकि हमारे जो विरोधी पार्टी के मित्र है वो कई बार लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ऐसा किया, लेकिन असली बात ये है कि म्युनिसिपल काउंसिल्स में ऑलरेडी वोटिंग राइट था और लोग वोट भी डाल रहे थे। नहीं नहीं, 1994 की धारा 4 में इस बात का संशोधन उसके तहत किया गया है, तो ये उनको शायद पढ़ लेना चाहिए जो सवाल उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और उसके अंदर ये कोई नया कोई चीज नहीं लाई, ये जो हमारा पुराना वो चला हुआ है जो वोटिंग राइट एक्ट के तहत दी जा रही है उसी के तहत इसको मिला है, सारे एमएलए को उसी के तहत ये वोटिंग राइट मिली है। तो चलिए, अब सोलन के चुनाव रह गए हैं, तय तारीख के मुताबिक वो भी चुनाव हो जाएंगे, तो उम्मीद आपको क्या लगती है कि चारों खाने चित भाजपा हो जाएगी? बिल्कुल उम्मीद नहीं है, पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का ही वहां पर मेयर और डिप्टी मेयर दोबारा बनेंगे और ये मुझे पूरी तरह से इसका विश्वास है। चलो, आपके विश्वास पे अब देखते हैं कि जनता को और स्थानीय लोग क्या विश्वास जताते हैं और कितनी उम्मीद रखते हैं। फिलहाल बुटेल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।